नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर का अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने करना है। वो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अमानत का एक मतलब जिम्मेदारी निभाना भी है, वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब क्या है कि अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अंजाम देना, और जो शख्स भी जिस मनसब पर, मनसब मतलब जिस ओहदे पर है के लायक हो, उसे उसी मनसब या ओहदे पर रखना भी अमानत है। दीन इस्लाम में अमानत की बहुत अहमियत है। तो आपको क्या समझ में आया कि हम इमानतदारी का ऐसा ये भी है कि हम अपने दिए हुए काम को, अपने फर्ज को पूरी तरह से अंजाम देने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी ईमान का हिस्सा है। और जब आपका ईमान मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है आप एक इमानतदार शख्स कहलाएंगे। सवाल नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानी के बारे में क्या फरमाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत मतलब ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो कयामत कायम होने का इंतजार करो। इसका मतलब ये कि जब दुनिया से ईमानदार लोग ख़त्म हो जाएंगे, लोग बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों को धोखा देंगे, आपस में एक दूसरे से सही रवैया इख्तियार नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो कयामत आने का वक्त है। और हमें चाहिए कि अगर हम कयामत के अजाब से, कयामत के दिन अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हम अमानतदारी को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और नबी करीम और अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलने की कोशिश करें, ताकि जो अमानत का किरदार है वो पूरा हो सके। तो प्यारे बच्चों, ये था चैप्टर हमारे पास अमानत, जिसको हमने पिछले 3 दिनों में क्या किया है, रीडिंग करके और मशकी सवालात हल करके मुकम्मल किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आपने इस सबक की अच्छे से रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद सबसे पहले इसके लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, और उसके बाद MCQ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।